भारत सरकार के द्वारा लाई गई योजना अग्निपथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पूरे देश में धरना प्रदर्शन के साथ साथ तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसी के तहत अमेठी जिले में भादर ब्लॉक के चौराहे पर युवाओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए हाईवे को जाम कर दिया, जिसके बाद अमेठी कस्बे में भर्ती कार्यालय के पास भारी मात्रा में युवा एकत्र हुए और धरना प्रदर्शन शुरू किया। साथ ही युवा वहां से धरना प्रदर्शन करते हुए ककवा रोड, रेलवे क्रॉसिंग, गांधी चौक, कोतवाली तहसील और स्टेशन तिराहा होते हुए रामलीला मैदान पहुंचे, जहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी और एसडीएम ने युवाओं को काफी समझाने का प्रयास किया। कोरोना के काल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी रैलियां की, हम लोगों की भर्ती नहीं कराई, रैलियों पर रैलियां करते थे। इस देश को चलाता किसान और नौजवान है, तो हम चाहते हैं कि जैसे पुरानी भर्ती थी वैसे बहाल की जाए और सेना की भर्ती जल्द से जल्द लाई जाए उसी तरीके से, पुरानी प्रक्रिया से। हमारे देश के नौजवान, कितने लड़कों का फिजिकल हो गया है, रिटर्न बाकी है, रिटर्न नहीं कराया गया, कैंसिल कर दी गई भर्तियाँ। हम सरकार से निवेदन करते हैं, रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से, कि वही पुरानी प्रक्रिया भर्ती की लाई जाए, बस इसे आप कुछ नहीं कहते हैं। जय हिंद सर। हम लोगों का टीओडी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और टीओडी को सर समाप्त किया जाए, पुरानी भर्ती को सर दोबारा चालू किया जाए और 2 साल की एज में हमको छोड़ दिया जाए। हम लोगों का प्रदर्शन इसी के खिलाफ है, टीओडी के खिलाफ, और हम लोगों के भविष्य के बारे में थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हम लोग रिटर्न को भी कैंसिल कर दिया गया है, जितने भी पेपर हैं एयरफोर्स, नेवी और थल सेना के, अब हम लोग क्या करें, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों का भविष्य तैयारी में 21 साल 22 साल आर्मी की तैयारी में बीत गया है सर, हम लोग आगे क्या तैयारी करेंगे। मेहनत सर, मेहनत 4 बजे उठकर सुबह से हम लोग रनिंग करते हैं, सारा कुछ हम लोगों का समाप्त कर दिया गया है भविष्य सर। कुछ बच्चे हैं जिनको अग्निपथ के बारे में कुछ आशंकाएं थी, वो उनको समझाया बुझाया गया, वो हमारे ही युवा बच्चे हैं और उनको हमने समझाया, वो समझ गए और उन्हें शांतिपूर्वक वहां से हटा दिया गया है और उनका ज्ञापन ले लिया गया है।